शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। द बॉटम लाइन के नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हज़रत शाह जीउना रहमतुल्लाह अलैह और राजकुमार का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। हजूर वाला, हज़रत शाह जीउना करोड़ी बुखारी नकवी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत सन 895 हिजरी जबकि वफात 971 हिजरी है। मदफन आपका कस्बा शाह जीउना तहसील झंग है। हज़रत शाह जीउना रहमतुल्लाह अलैह सादात बुखारी के चश्मो चराग और साहिब इज्जत करामत बुजुर्ग गुजरे हैं। आपकी सारी जिंदगी तबलीग हक रुश्द हदायत में बसर हुई। आपकी शख्सियत में बेपनाह कशिश थी। जहाँ जहाँ भी तशरीफ ले गए, अकीदतो एहतराम का एक वसी हलका पैदा होता चला गया। आपका रूहानी फैज अब तक जारी है। लाखों तिश्नगाने रूहानियत इस्तफादा कर चुके हैं। आपकी औलाद को भी दुनियावी जहो जलाल नसीब हुआ। आपका असल नाम सैयद महबूब आलम था, जो बाद में लोगों ने भुला दिया और आपको हुर्फे आम ही से पुकारा जाने लगा। सैयद महबूब आलम उर्फ हज़रत शाह जीउना का शजरा हसब जैल है। हज़रत शाह जीउना बिन सैयद कबीर सानी बिन मखदूम जहानिया जहां गश्त बिन सैयद अहमद कबीर अव्वल बिन सैयद शेर शाह जलाल सुर्ख बुखारी बिन अली बिन सफीर बिन मोहम्मद बिन महबूद बिन अहमद अब्दुल्ला बिन अली असगर सानी बिन अब्दुल्ला सगीर बिन इमाम अली नकी बिन इमाम अली तकी बिन इमाम मूसा रजा शहनशाह बिन इमाम मूसा काजम बिन इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम बिन इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिन मौलाए कायनात हजरत अलील मुर्तजा करमल्ला वजल करीम है। हज़रत शाह जीउना अपने वालद सैयद अहमद कबीर सानी के तीसरे बेटे हैं। आपकी विलादत इलाका कनूज में हुई, जहां आपका दीगर ख़ानदान उच्च बहावलपुर से मुंतकिल होकर आबाद हुआ था। मुर्रखीन ने आपकी सने विलादत मुख्तलफ बताए हैं। ताहम अक्सर रवायात के मुताबिक आपकी विलादत सन 895 हिजरी में हुई। जिस वक़्त आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपके वालदे मोहतरम घर से बाहर तबलीग के लिए गए हुए थे। आपके वालद को ख्वाब में बशारत मिली कि घर में तीसरा चिराग रोशन हो गया है। आपने देखा कि तीन चिराग जल रहे हैं, चुनाचे आपने फौरन रखते सफ़र बांधा और कनूज वापस आ गए। घर पहुंचकर बेटे को उठाया, बेटे की पेशानी को बोसा देते हुए फरमाया, इस बच्चे की पेशानी में रूहानियत जलवागर है। आपने बच्चे का नाम महबूब आलम तजवीज़ किया। हज़रत शाह जीउना करीबन 21 साल तक वालदैन के साया शफकत में रहे। आप बड़े साबर, मुतहम्मल मिजाज, बुर्दबार और तन्हाई पसंद थे। हमेशा इबादत और रियाजत में मसरूफ रहते। आपके अकीदतमंद मस्जिद के बाहर आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर रहा करते थे। आपकी इल्मी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी और उस वक़्त के बड़े बड़े उल्मा और फुकरा आपकी ज्यारत के लिए आने लगे थे। आप हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मज़ार अकदस पर एक दफ़ा हाजिरी देने तशरीफ़ ले गए तो आपको गैबी तौर पर हदायत मिली कि मगरबी हिंदुस्तान की सरजमीन का रुख करें, जहां आपकी ज़रूरत है। चुनाचे आपने वालदे मोहतरम से इजाज़त हासिल की और तबलीगी मिशन पर रवाना हुए। सबसे पहले आप इलाका ठस्का मीना जी जिला करनाल आए, कुछ अरसा यहाँ क्याम किया क्योंकि ये जगह फुकरा और दरवेशों का मरकज थी। यहाँ से आप कस्बा सामाना रियासत पटियाला पहुँचे, जहाँ सादात बुखारी के दीगर घराने रहायश पजीर थे। कुछ अरसा सामाना में क्याम फरमाया। इस दौर में सामाना में मोहल्ला बुखारिया की बुनियाद पड़ी, जो आज तक कायम है। सामाना से आप लाहौर वारद हुए और चंद साल लाहौर में क्याम फरमाया। क्या में लाहौर के ज़माना में ही आपको अपने जद्दे बुजुर्गवार हज़रत शेर शाह जलाल सुर्ख बुखारी ने ख्वाब में फरमाया कि झंग जाइए, जहां आपका इंतज़ार है। चुनाचे आप झंग तशरीफ लाए और आप करीबन 961 हिजरी में वारदे झंग हुए थे। झंग नाम का पहला कस्बा हज़रत शेर शाह जलाल सुर्ख बुखारी ने सन 675 हिजरी में आबाद किया था। आप उस वक्त सरगोदा के कबीला नून को मुशर्रफ बे इस्लाम करके अमूमन इस इलाका में क्याम फरमाया करते थे। पहला कस्बा झंग सियाला के नाम पर मंसूब हुआ, लेकिन बाद में ये कस्बा सैलाब के बायस उजड़ गया तो दूसरी बार जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह हिंद के
अहद में बसाया गया जो करीबन 100 साल के बाद उजड़ गया। इसके बाद तीसरी जगह शहर बसा जहां मौजूदा जंग शहर आबाद है। कहा जाता है कि आप मादरजात वली अल्लाह और आरफे कामल थे। आपकी दुआएं मुस्तजाब बारगाह अजीदी थी। जिस तरफ जिस इरादा से निगाह उठाते रब्बे जुलजलाल आपकी दुआओं को कबूल फरमाता। चुनाचे आपकी शोहरत सुनकर अकीदत मंदों का वसी हलका आपके गिर्द जमा हो गया। मुरीद मरीज को शफा के लिए आपके पास लाते, आप दुआ करते, अल्लाह ताला मरीजों को शफा देते। ऐसे बेशुमार वाकयात रूनमा हुए कि बजायर मरीजों के बचने की कोई उम्मीद ना होती थी लेकिन आपकी दुआ से वो सेहतमंद हो जाते। इसी वजह से लोग आपको शाह जीवन। Such a rewarding couple of years. Spending all that time with the family was great, which means less time for myself, but with the kids always around. या शाह जीवना के नाम से भी पुकारते हैं, यानी जिंदगी देने वाला, जो बाद में शाह जीवना बन गया और इसी से आपको शोहरत हुई। मुस्तजाबुद दवात होने के बावजूद आप जाहिरी करामात के इजहार से अमूमन गुरेज ही फरमाया करते थे। अपने खास अहबाब से भी यही तलकीन करते, जब कोई सख्त मरहला पेश आता तो खवार के फितरत बातों से रजू करते। आपके ही ऐद के एक बुजुर्ग शेख अली, जो बाद में शेख अली के नाम से मशहूर हुए, कि साहबजादी को जो आलम जज़ब में थी और अमूमन वजदानी हालत में अपना लिबास फाड़ दिया करती थी, बातनी ताकत से बापर्दा फरमाया और चमड़े का लिबास पहनाकर हमेशा के लिए इसको आरफा बना दिया। इस तरह आपके पोते लद्दन इमाम के बारे में मशहूर है कि वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेला करते थे। कहते हैं कि एक बार आप खेल में मसरूफ थे कि एक दीवार पर सवार हो गए और उसे यूं हुक्म दिया कि घोड़े की तरह भागो। दीवार भागना शुरू हो गई। इनके हाथ में एक छड़ी थी जिसको आपने कहा ये तो सांप है, वो फौरन सांप बन गई। इस तरह आपने सांप को चाबुक बनाते हुए दीवार को भगाना शुरू कर दिया। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो आप रहमतुल्लाह के पास आए और फरमाया कि आपके पोते ऐसा कर रहे हैं। आपने फौरन अपने पोते से फरमाया कि बेटा, इन लोगों के सामने अपनी कूते रूहानी को आजमाना दुरुस्त नहीं, और आइंदा के लिए करामात के इजहार से इनको रोक दिया। यहाँ हम आपकी एक करामत का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि जब आप अपने इलाका कनूज में तशरीफ ले गए तो वहाँ की रियासत के राजा की किसी दूसरे रियासत के राजा के साथ जंग हुई, जिसमें कनूज के राजकुमार को पेट पर जरब आई जिससे उसकी मौत वाकया हो गई। बाप ने जब ये देखा तो शहनशाहत को पीछे छोड़ते हुए अपने राजकुमार को लिया और हजरत शाह जूना के पास हाजिर हुए और फरमाया कि मेरे बेटे को जख्म आ गए हैं, नहीं जानता था कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन जैसे ही आपने राजकुमार को देखा, आपने उसके फटे हुए पेट पर हाथ रखा और दुआ की। आपकी दुआ की करामत से वो पेट ठीक हो गया और राजकुमार ने आंखें खोल दी।